बड़गाम में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का जम्मू में हुआ अंतिम संस्कार, आज श्रीनगर में राजभवन के सामने कश्मीरी पंडित करेंगे विरोध प्रदर्शन। राहुल भट्ट की मौत से परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, एबीपी न्यूज से बात करते हुए रोने लगे राहुल भट्ट के माता पिता। बच्चा ही क्या बोल, मृतक राहुल भट्ट की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, हत्या से 10 मिनट पहले हुई बात का जिक्र किया। मैंने इसको बोला था तू नौकरी छोड़ दे, हमें नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अभी यहाँ पे ही खुश थे। आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। राहुल भट्ट के पिता ने बताया आतंकवादियों ने नाम पूछकर राहुल भट्ट को गोली मारी, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। वहाँ चार लड़के थे ऑफिस में, उसी कमरे में बैठे हुए, बोला राहुल भट्ट कौन सा, तो उन्होंने बोला मैं हूँ, आ जाओ क्या बात है, तो उन्होंने एकदम पिस्टल निकाला फायर किया। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में बड़गाम में तेज हुए विरोध प्रदर्शन, एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जम्मू में फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर जता रहे हैं नाराजगी। कश्मीरी पंडित युवक राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में पूरे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, राहुल प्रवासियों के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत तैनात थे। बड़गाम में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट की हत्या कर दी, तहसील दफ्तर में घुसकर गोली मारी, कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की। बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है, कहा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में बयान देकर माहौल खराब कर रही हैं। पुलवामा में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली, घायल एसपीओ रियाज अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई, श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर, कई राज्यों में मिली हार और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से चेतक एक्सप्रेस के जरिए उदयपुर पहुंचे, राहुल के साथ पार्टी के करीब 74 नेता भी मौजूद, दिल्ली में रवाना होने तक कार्यकर्ताओं ने लगाए जमकर नारे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा, बड़े बदलाव पर फैसला संभव है। उदयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा हमारे कणकण में राष्ट्रवाद और राष्ट्रधर्म है, एक बार फिर कांग्रेस को देश में रक्षा की परिपाटी पर खरा उतरना होगा, इसीलिए नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत, कहा चिंतन शिविर में 2024 की रणनीति तय होगी। जो 2024 का चुनाव है उसके लिए कुछ व्यापक ठोस रणनीति तैयार करने में हम लोग सफल हैं।
चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दोबारा पार्टी की कमान संभालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उदयपुर में इस पर चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर बोले मनीष तिवारी, कहा किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ। जब एक बहुत ही अजीब किस्म का माहौल इस देश में बनता जा रहा है, उस चीज़ को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी फिर आई सामने। चिंतन शिविर के वेन्यू होटल के रास्ते से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए। ज्ञानवापी सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग। सर्वे पर फौरन रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कल से शुरू होगा सर्वे। इज्तमाइया कमेटी ने हर तरह की मदद का भरोसा दिया। 17 मई को कोर्ट में सौंपनी है रिपोर्ट। ज्ञानवापी में 5 दिन में पूरा करना है सर्वे का काम। कोर्ट ने कहा मस्जिद के अंदर हर जगह का सर्वे होगा। तहखाने में भी जाएगी टीम। ताला ना खुले तो तोड़कर वीडियोग्राफी करें। बाधा डालने पर कार्रवाई के आदेश। न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार। मेरे पास कुछ नहीं है। न्यायालय आदेश करे ही है तो हमको खुलवा के देखना ही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 56% लोगों की राय है कि ज्ञानवापी का सच सामने आना चाहिए। ज्ञानवापी में सर्वे कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उठाए सवाल। एबीपी न्यूज से कहा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाए। उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस नेता धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा इसको अभी फैसला नहीं कह सकते। एक मुद्दे पर अदालत ने निर्देश दिया है, उसे सभी को मानना चाहिए। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का वाराणसी दौरा। जंगमबाड़ी और डीएवी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे योगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की कोर्ट को निर्देश। 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा करें। विवादित स्थल के सर्वे की भी हो रही है मांग। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा ताजमहल तेजो महालय था और दिल्ली की जामा मस्जिद पहले जमुना मंदिर थी। ताजमहल को जो नाम रखा गया तेजो महल है, इसका भी हमारे पुराने शासकों ने बनाया था। जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं वो जमुना देवी का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया। सुबह क्लास से पहले दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने जारी किया आदेश। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्रभावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्रप्रेम की भावना आएगी। आप इस तरह का इकदाम करके आप देश को, हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं नहीं, इनको देशभक्ति सिखाना है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने फैसले का स्वागत किया। कहा सरकार मदरसों को आधुनिक कर रही है, इससे राष्ट्रप्रेम की भावना जागेगी। मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। औरंगजेब की कब्र पर जाने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीएचपी नेता सत्वी सहारण पर हमले के मामले में खुलासा। बीकानेर के कमिश्नर ने कहा, साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश की गई थी। 27 लोगों को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ में वीएचपी नेता पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एहतियातन जिले में इंटरनेट बंद। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना होगा। महाराष्ट्र के जालना में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। जगह का नाम बदलने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ। दोनों गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। 5 पुलिस वाले घायल, 20 से 25 लोग हिरासत में। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की एमसीडी की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी। करौलबाग, नरेला, समयपुर, बादली से रोहिणी मेट्रो स्टेशन के बीच हटेंगे अवैध निर्माण। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई थी गिरफ्तारी। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे अमानतुल्ला खान। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त बवाल। स्थानीय लोगों ने पथराव किया। मदनपुर खादर के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सागरपुर में बुलडोजर चलने से पहले ही लोगों ने अवैध निर्माण हटाए। यूपी के सीएम योगी के शहर गोरखपुर में भी चला बाबा का बुलडोजर। नालों और सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन हिमाचल प्रदेश, कुल्लू में रैली करेंगे आज। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड की खरन सचिव पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने निलंबित कर दिया है। पूजा से पूछताछ के लिए ईडी ने विशेष प्लान तैयार किया है। आयकर विभाग से मंगाए गए हैं दस्तावेज। मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। आईएएस पूजा सिंघल को लेकर नया खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, सीए सुमन ने माना ज्यादातर कैश पूजा सिंघल का। जेई सीधे पूजा सिंघल को रिश्वत पहुंचाता था। झारखंड के 20 करोड़ के कैश कांड में नेताओं की भूमिका को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे। 52% लोगों ने कहा घोटाले के पीछे नेता है। चार धाम यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर 26 लोगों की मौत। सरकार और प्रशासन की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। गढ़वाल कमिश्नर ने लोगों से डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए मंदिर के बाहर आईटीबीपी जवानों की तैनाती। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, इसीलिए की गई तैनाती। राजस्थान के कोटा में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। हॉस्टल संचालक ने दरवाजा तोड़ निकाल शव। मध्य प्रदेश का निवासी था छात्र, 2 साल से कोटा में पढ़ाई कर रहा था। 1 महीने में 5 छात्रों की मौत हो चुकी है अब तक। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।